standard 10th. Subject SSN. Our topic is chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. जिस तरह से भारत का सांस्कृतिक वारसा और उसकी परंपराएं, हस्त और ललित कलाओं की यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है। आगे के चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 1 में हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिस तरह से भारत की भूमि, उसकी कलाएं, उसमें रहने वाले अलग अलग तरह के लोग की बात की गई थी। इसी तरह से यहाँ पे इस चैप्टर में कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, जिस तरह से हस्त और ललित कलाओं की यहाँ पे बात की गई है। चैप्टर्स की हम स्टार्टिंग करते हैं आपके बुक में पेज नंबर 8 पे। इंडिया इज अ कंट्री एंड रिच एंड कल्चरल हेरिटेज। इट इंक्लूडेड मटेरियल एंड जेनेटिक हेरिटेज, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ एंड नो एज जेनेटिक इन सेल्फ। वेरियस हाउस, लैंड, स्टैटिक लाइफ, प्रोग्रेसिंग, ऑब्लेसिंग, फॉर असेसमेंट। अब यहाँ पे हर एक की बात की गई है। आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें, जिसके कारण आपको पता चल पाए कि हम अभी किस चीज में पहुंचे और किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो चैप्टर दिया गया है, सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर भारत का जो सांस्कृतिक वारसा है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की परंपराएं, उसकी हस्तकलाएं और उसकी ललित कलाओं की यानी कि फाइन आर्ट्स की यहाँ पे बात की गई है। भारत है वो समृद्ध और सांस्कृतिक वारसा धराने वाला देश है, जिसके अंदर उसकी संस्कृति है वो सबसे पहले आती है, जिसमें भौतिक, जैविक और वास्तव में जो उसको मिला है, जो जैसे जिस तरह से हम देखें, अगर कोई ऐसा लड़का है जिसके पापा अगर हैंड्री क्राफ्ट का करता हो, तो उसके अंदर वो हुनर अपने आप ही आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है, उसका जब बर्थ होता है, तब उसके माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण है वो उसमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो जैविक वारसा, उसको हम जैविक वारसे के नाम से जानते हैं। इसी तरह से घर, जमीन, जागीर, जो जंगम और स्थावर जो मिल्कियत होती है उनकी, उनमें से उनको जो वारसा मिला हो, उनका जो हेरिटेज मिला हो, वही उनका भौतिक वारसा के नाम से हम उसे जानते हैं। इसी तरह से मनुष्य अपनी जो अस्त में रहा हुआ जो हुनर है, उसकी बुद्धि है, उसकी शक्ति है, कला कौशल्य में वो किस तरह से अपनी जो बुद्धि है उसका यूज करके वो उसमें आगे बढ़ता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। इसी तरह से मनुष्य है वो अपने सामान्यतः सांस्कृतिक वारसे को जताने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, जिसके कारण उसकी जो संस्कृति है वो जैसी है वैसी ही रहे। इसके बाद है देखें तो समाज में जिस तरह से सांस्कृतिक वारसा क्या है, तो जो मानवी को अपनी जो उसको जो भी आता हो कार्य, उसमें जो हुनर रहा है, उसी हुनर को आगे लेके वह अपनी बुद्धि, शक्ति और कला कौशल का यूज करके उसमें जो भी वो कार्य कर सकता है, उसे हम सांस्कृतिक वारसे के नाम से जानते हैं। उसी तरह से समाज, जीवन और पूर्वजों से शुरू हुई परंपराएं, रूढ़ियां, रीत रिवाज और उसमें से रही हुई बहुत सारी ऐसी बातें, जिनके कारण जो उसका जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उसकी जीवन शैली अच्छी तरह से बीते, तो हम उसे सांस्कृतिक वारसे से जानते हैं, कल्चरल हेरिटेज के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत अगर हम कुछ और देखें, तो जैसे देखें शिक्षा है, शिक्षा में किस तरह से वो अपना प्रचार करता है, खेती है, व्यापार है, अपना जो रोज बरोज का उसका जीवन है, उसी जीवन में वो अपने नीति नियम को किस तरह से लेता है, उत्सव को कैसे लेता है, मनोरंजन को कैसे सेलिब्रेट करता है, उसमें कलाकारीगरी कैसी है, उसकी मान्यताएं कैसी हैं और वह अपने कौशल को किस तरह से बाहर उभर के लाता है, वो उसको हम भारत के सांस्कृतिक वारसे में यानी कल्चरल हेरिटेज में हम उसे ले सकते हैं। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब आप आइए सेकंड पैराग्राफ के, जिसके अंदर भारत में जो विश्व में सबसे प्राचीनतम देश माना जाता है, किसके लिए माना जाता है, क्योंकि उसकी परंपराएं, उसके सामाजिक जीवन के मूल्य, उसकी रूढ़ियां, उसके रीति रिवाज, उसके परिवार की व्यवस्था,
बहुत ही खासियत धराते हुए, जैसे कुछ बात को उसमें इस तरह से वो अपने सांस्कृतिक वारसे का जतन करने में और उसकी रक्षा करने में किसकी फर्ज में आता है, किसकी है, तो उसकी रक्षा करना वो हमारे कर्तव्य में आता है। इसी तरह से प्राचीन भारत की श्रेष्ठ जो 64 कलाएं हैं, भारत की 64 कलाओं में से 64 कलाएं हैं वो भारत में दिखाई गई सबसे पहले। इसमें कौन कौन सी आती है तो कुछ नाम यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जैसे कि हस्तकला है, कारीगरी है, कश्यप है, हुनर है, चित्र है, म्यूजिक है, नाट्य कलाएं हैं और नृत्य कला है इत्यादि। ये सारी कलाएं भारत के सांस्कृतिक जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। प्राचीन भारत की 64 कलाओं में हस्तकलाएं, कारीगर और कसब हुनर की सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसी प्राचीन मुद्राओं पर मूल्यांकन भी हुआ था, जिसके कारण पास्ट में अगर हम देखें तो जो विदेशी प्रवासी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे भारत में अगर घूमने आते तो वो सबसे ज्यादा हस्तकलाओं को समृद्धि का स्थान देते थे। आज भारत में सांस्कृतिक वारसे का प्रतीक समान योग विद्यानों का सारी दुनिया ने उसे स्वीकार किया है। किस तरह से योग को सारी दुनिया ने महत्व दिया है, इसके परिणाम समग्र विश्व 21वीं जून दिन के दिन विश्व योग दिवस मनाती है। जिस तरह से भारत हस्तकलाओं में भी इतना मशहूर है, इसी के दौरान पूरे विश्व में 21 जून को क्या होता है तो योग दिन मनाया जाता है, आप सभी ने देखा ही होगा। इसी तरह से इस चैप्टर में हमें भारत की अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, कारीगरी है, उसके बारे में पढ़ने का है, जिसके अंदर उसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आर्ट एंड इंडियन आर्टिसंस, जो भारत के कस्बी हैं उसकी करामत क्या है, वो कस्बी क्या है, तो भारत के सांस्कृतिक वारसे में सौंदर्य में भारतीय कारीगर और उसकी कस्बियों का हुनर परंपराओं से चलता आया है। भारत में भातीगल जीवन को, उसके कड़िया कारीगरी को, हुनर को उद्योग से और कुशलता से विकसाने के लिए भारत में भरत होता है, जो सभी लोग जो भरत गुंथन करते हैं, काष्ठकला करते हैं, माटी काम करते हैं, धातु काम, चित्रकला, धर्म, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्शी काम, अकीर और हीरे के जैसी रही हुई बहुत सारी ऐसी कौशल्यपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बना की जो हाथों से बनने वाली जो कलाएं होती हैं वो हमें भारत में एक बहुत पता का स्थान दिलाती हूँ, इस तरह से बताए गए हैं। क्या है आर्ट एंड इंडियन आर्टिसंस, आर्ट एंड इंडियन आर्टिसंस क्या है, तो भारत में अलग अलग हुनर करने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण उसकी कल्चरल हेरिटेज में सबसे ज्यादा महत्वता दिखाई दे। किस प्रकार से, तो भारत की संस्कृति और सौंदर्य को सबसे ज्यादा उभारने में उसके कारीगर और कस्बियों की सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है। किस तरह से, तो आप यहाँ पे देखें जो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसंस है उसके कारण, उनकी कलाओं के कारण यहाँ पे हम देखें तो जो आप यहाँ देखेंगे एम्ब्रॉयडरी है, वुडन आर्ट है, क्ले वर्क है, ड्रॉइंग है, पेंटिंग है, लेदर इंडस्ट्री है, केमिकल वर्क है, एनिमल वर्क है, ये सारे वर्क के कारण भारत है वो अपनी कुछ अलग ही छाप दिखाता है। यह था आर्ट एंड इंडियन आर्टिसंस, किस तरह से भारत के कस्बियों की करामत के कारण पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है। सेकंड है क्ले वर्क, जो क्ले वर्क यानी जो मिट्टी का कार्य होता है, मिट्टी कला जो होती है उसकी यहाँ पे बात है। तो क्ले वर्क के बारे में हम यहाँ पे देखें तो मनुष्य जीवन में और मिट्टी के बीच में प्राचीनतम संबंध रहे हैं, मनुष्य के बीच में और मिट्टी के बीच में प्राचीनतम संबंध रहा है। क्यों कि व्यक्ति के जन्म से लेके मरण तक की जो मृत्यु तक की जो यात्रा होती है उसमें मिट्टी जुड़ी ही होती है। धातु काम की जब वो नहीं था तभी मनुष्य ने वो क्या करता तो सबसे ज्यादा अंश में वो मिट्टी से बनी हुई सामग्री का यूज करता था, जिसमें हम देखें तो मिट्टी के बने हुए खिलौने, उसके जो घड़े होते हैं, कुहाड़ी होती है, कुड़िया जो दिए होते हैं कि हांडले होते हैं, माटी की जो मिट्टी है उनके चूल्हे होते हैं, अनाज
पूरे घर को रक्षण मिलता था। इसके बाद की लाइन हम देखें तो पानी, दूध, दही, छाछ, घी, प्रवाही ये सारे मिट्टी के बर्तन में रखने में आते थे। रसोई का जो रसोई बनाने का जो पानी था उसके बर्तन थे वो मिट्टी के बने हुए थे। रोथल, मुहे जो दड़ो, अपने आगे के चैप्टर में ये सारे नाम देख ही लिए हैं कि कहाँ पे ये सारे आए हैं। तो किस तरह से लोथल है, मोहे जो दड़ो है, हड़प्पा संस्कृति है, उसी समय में लाल रंग की मिट्टी के जो पवाले होते हैं, फिर देखें तो बरनी होती है, फिर अड़रका भी होती है। इसी के कारण जो बर्तन है वो सारे बर्तन हमें इसी दौरान मिलते हैं। कौन से दौरान? लोथल में, मोहे जो दड़ो में और हड़प्पा संस्कृति में ये सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन हमें दिखने को मिलते हैं। इसी तरह से आगे देखें तो कुम्हार होता है, जो पोर्टर होता है, वो क्या करता है, अपने चाकड़े पे पूरा मिट्टी का कार्य करके प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र हम देख सकते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पुराना यंत्र हो तो वो कौन सा है, जो पोर्टर होता है उसका, जो देखे हम यहाँ पे तो उसका चाकड़ा जिसे हम बोलते हैं उसी के कारण वो भारत में सबसे ज्यादा होती है। आज भी नवरात्रि में हम गरबे के अंदर दिया रखते हैं, जिसके अंदर जो उसका घड़ा होता है इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के छेद होते हैं, उसी को हम यहाँ पे मिट्टी कला के नाम से जानते हैं। कच्ची मिट्टी में से बने हुए पके हुए उसकी बर्तन जिसके अंदर वस्तु का उत्पादन करके भारत है वो प्राचीन काल से जाना माना जाता था। उसी के ख्याल के कारण दक्षिण भारत में नागार्जुन कोड़ा, गुजरात में लांथड़ा, महसाणा जिला में जो आया है, इसी तरह से हाथ से बनी हुई मिट्टी के बर्तन को जो पुराने अवशेष हमें यहाँ पे मिलते थे। ये था जो किस तरह से क्ले वर्क है वो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भारत में आर्ट एंड इंडियन आर्टिसंस की महत्वता थी और किस तरह से भारत में क्ले वर्क की यानी कि मिट्टी की जो कला है उसकी